हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जनरल एंट्रीज बनाना। तो सबसे पहले इनकी जनरल एंट्री बनाने से पहले हम इनके बारे में समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जानने के लिए हम एक तरफ लिखते हैं ओनर और एक तरफ लिखते हैं बिजनेस। ठीक है, अब मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो इस पैसे को क्या बोलते हैं? इस पैसे को हम बोलते हैं आपका, ठीक है, इस पैसे को हम बोलते हैं आपका कैपिटल। जो मालिक का पैसा बिजनेस में पड़ा होता है वो कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अगर वो बिजनेस में पड़ा है तो कैपिटल है, अगर मालिक इसको निकाल लेगा तो क्या बोलेंगे? अब जो पैसा बिजनेस में पड़ा है, अगर मालिक इसको बिजनेस में ना लगाता तो कहां रखता? उसको मालिक रखता आपका बैंक में। अब बैंक में जो वो पैसा रखता उस पे क्या मिलता उसको? इंटरेस्ट। अब मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया तो हो सकता है बिजनेस चले, हो सकता है ना चले, तो इसलिए बिजनेस मालिक को एक इंटरेस्ट देता है। ठीक है, इसलिए बिजनेस मालिक को इंटरेस्ट देता है, उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, हो सकता है बिजनेस चले, हो सकता है ना चले, इस कारण से बिजनेस मालिक को इंटरेस्ट देगा, जिसे क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये नॉमिनल नेचर का होता है और ये बिजनेस के लिए एक खर्चा है। क्यों? क्योंकि इसको मालिक को देना है। ठीक है, ये एक अकाउंटिंग एंट्री है। ठीक है, अब इसका जो रेट होगा वो कैसे डिसाइड होगा? जो हमारी डीड में मेंशन होगा, जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो उसमें एक डीड बनेगी, उसमें जो मेंशन होगा उस हिसाब से क्या होगा? उस हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और इसकी एंट्री क्या बनेगी आपकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कि ये मालिक की कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो इस तरह से हमारा क्या होगा? एक एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक तरफ हम ओनर लिखेंगे, एक तरफ हम बिजनेस लिखेंगे। मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए, क्या बोलेंगे सर? अगर मालिक बार बार बिजनेस से पैसा निकालेगा, अगर मालिक बार बार बिजनेस से पैसा निकालेगा पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस को क्या होगा? नुकसान। उसको रोकने के लिए उसके ऊपर एक इंटरेस्ट लगाया जाए, उसको क्या